प्रीवियस वीडियो में हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया था कि दो इश्यूज़ की वजह से हम कार्नाट साइकिल को रेफ्रिजरेटर्स के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो दो इश्यूज़ ये थे बेटा, पहला कि हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है कि जो टू फेस फ्लूड को कंप्रेस करवा सके, दूसरा कि टरबाइन में जब एक्सपेंशन होती है तो जो लो क्वालिटी रेफ्रिजरेंट है ये टरबाइन के ब्लेड्स को एरोड करता है, इसकी लाइफ को कम करता है। आज की वीडियो में हम इन दोनों इश्यूज को हल करेंगे और रेफ्रिजरेटर के लिए एक प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल डिवाइस करेंगे। ये दोनों मसले हल हो सकते हैं बेटा अगर हम रेफ्रिजरेंट को कम्प्लीटली वेपोराइज करवा लें कंप्रेसर में भेजने से पहले, यानी जो हीट रिमूव्ड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस है वो 1 से लेकर 2 की बजाय 2 प्राइम तक होगी। उसके बाद हम इसको कंप्रेसर में कंप्रेस करवाते हैं टिल द हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर। उसके बाद ये अपनी हीट रिजेक्ट कर देता है कंडेंसर के थ्रू टू द वार्म सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर में। उसके बाद ये जो टरबाइन वाला हिस्सा है इसको हम रिप्लेस कर दिया करते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस से, एक्सपेंशन वाल से या कैपिलरी ट्यूब से। ये दूसरा मसला हम हल कर रहे हैं। तो ये जो हमारा 4:1 प्रोसेस है आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन, ये हो जाएगा बेटा कुछ इस तरह, और 1 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 1 प्रोसेस 4:1 प्राइम। अब ये दोनों मसले हमने हल कर लिए, ये जो आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन वाला और दूसरा आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन वाला। तो अब हमारे पास जो रिजल्टिंग साइकिल बनता है ये वाला, इसको हम कहा करते हैं आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसको हम वेपर कंप्रेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सैचुरेटेड वेपर्स को कंप्रेस करवाया है। तो यानी ऐसा साइकिल जिसमें हमें वेपर्स को कंप्रेस करवाएंगे वो है हमारा आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल, और ये रेफ्रिजरेटर्स के लिए प्रैक्टिकल साइकिल है जो हम रेफ्रिजरेटर्स के लिए, एयर कंडीशनर्स और हीट पंप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं।